गुड मॉर्निंग डियर सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स, टुडे आवर न्यू लेसन इज स्लीपिंग ब्यूटी। इट मीन्स व्हेन अ पर्सन इज स्लीप्ड देन इट लुक्स वेरी क्यूट एंड वेरी ब्यूटीफुल, सो इट इज कॉल्ड स्लीपिंग ब्यूटी। नाउ आई स्टार्टिंग द लेसन रीडिंग द लेसन स्लीपिंग ब्यूटी। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ किंग, एक बार राजा रहता था, एंड अ क्वीन, एक रानी रहती थी, हु लॉन्ग्ड फॉर अ बेबी, जिनको एक मतलब बच्चे ने जन्म दिया। वन डे, एक दिन, व्हेन द क्वीन वाज बाथिंग इन द लेक, जब रानी मतलब झील में स्नान कर रही थी, अ फ्रॉग जंप्ड आउट ऑफ द वाटर ऑन द शोर एंड सेड, फ्रॉग जंप मतलब एक जब वो झील में स्नान कर रही थी तो एक जो मेंढक है वो कूद कर किनारे पर आया और कहा, बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में योर विश विल बी ग्रांटेड, आपकी जो इच्छा वो पूरी होगी, एंड यू विल गिव बर्थ अ डॉटर, और टू अ डॉटर, आप एक लड़की को जन्म दोगे। वट द फ्रॉग हैड प्रेडिक्टेड केम ट्रू, जो भी प्रेडिकेटेड होता है फोरकास्ट यानी कि भविष्यवाणी करना, जो भी मेंढक ने भविष्यवाणी की थी वो सच हुई, एंड द क्वीन, और रानी गेव बर्थ टू अ बेबी गर्ल हु वाज सो ब्यूटीफुल, मतलब एक सुंदर लड़की को जन्म दिया, मतलब लड़की को रानी ने, एंड दैट द किंग डिसाइडेड टू होल्ड अ लविस क्रिसनिंग होता है नेमिंग सेरेमनी, यानी कि राजा ने एक प्यारी सी नेमिंग सेरेमनी रखने का, यानी कि नाम समारोह रखने का फैसला किया। Not only इतना ही नहीं, he invited his relatives and friends, but also the 12 god fairies who lived in his kingdom. उसने अपने रिलेटिव और अपने मतलब सगे संबंधियों को और मित्रों को बुलाया, परंतु उसने 12 जो गुड फेरीज हैं, यानी कि जो मतलब आप ये कह सकते हो एंजल, देवी, जिसको हम देवी का रूप दे देते हैं, उनको भी बुलाया जो राज्य में रहती थी। हाउएवर दे वर इन फैक्ट 13 फेरीज, और वहाँ पर 13 मतलब फैक्ट ये था कि 13 मतलब फेरीज थी, देवियाँ थी, बट द किंग हैड फॉरगॉटन अबाउट द 13 एज सी लिव्ड ऑल अलोन इन अ फार अवे कास्टल, एंड सो सी वाज नॉट इन्वाइटेड। राजा को 13 की जो देवियां थी वो याद नहीं रही, वो भूल गया था, एज क्योंकि सी लिव्ड ऑल अलोन इन अ फार, वो अकेली रहती थी अलग अलग, एंड सो सी वाज नॉट इनवाइटेड, और सो इसलिए वो सभी मतलब इनवाइट नहीं की गई। व्हाट अ मिस्टेक दैट टर्न आउट टू बी, एज द किंग एंड क्वीन टू ऑल टू सून फाउंड आउट, यानी कि राजा और रानी ने जितने देखा कि मतलब ये जो कहानी, ये जो बातें हैं, ये कैसी गलती हो गई हमसे, हमने सभी को उसको सभी फेरी को नहीं बुलाया। द क्रिसनिंग वाज अ वेरी ग्रैंड सेलिब्रेशंस, जो समारोह था, नामकरण समारोह था, वो बहुत बड़ा समारोह था, एंड व्हेन इट वाज नियरली ओवर, जब ये समाप्त होने वाला था, द गुड फेरीज वन बाय वन वेंट अप टू द बेबीज क्रेडल, क्रेडल होता है झूला, और टू बेस्टो अ गिफ्ट अपॉन हर, बेस्टो मीन्स होता है आशीर्वाद के साथ गिफ्ट देना, यानी कि एक इनाम देना, या एक मतलब आप कह सकते हो तोहफा देना। जब एक एक करके जो सभी अच्छी परियां हैं वो आई झूले के पास लड़की के, और उन्होंने आशीर्वाद के साथ क्या दिया, तोहफा दिया। वन गेव हर द गिफ्ट ऑफ वर्चू, एक ने उसको भाग्यवान होने का, अनदर ब्यूटी, दूसरे ने उसको सुंदर बनने का, अनदर वेल्थ, तीसरी और दूसरी और अलग ने उसको स्वस्थ रहने का, एंड सून द बेबी प्रिंसेस हैड एवरीथिंग दैट वन कुड एवर विश फॉर, और तभी उस लड़की के पास, उस बेबी के पास, वो राजकुमारी थी जो उसके पास सब कुछ था जो एक पर्सन को चाहिए था। व्हेन द 11th बेबी फेरी हैड जस्ट बेस्टोव्ड हर गिफ्ट ऑन द बेबी, जब 11वीं परी उसको आशीर्वाद देने के लिए आई, द 13 फेरी फ्यूरियस आर नॉट हैविंग बीन इनवाइटेड एंटर द रूम, यानी कि जो 13वीं जो देवी थी, फेरी थी, जो उत्सुकता के साथ मतलब वो एकदम से हड़बड़ाहट में आई, जिसको उन्होंने इनवाइट नहीं किया था, एंटर द रूम, उन्होंने कमरे में प्रवेश किया, आई एम गोइंग टू गिव द प्रिंसेस अ गिफ्ट विच विल नेवर अलो यू टू फॉरगेट मी अगेन,
उसने कहा कि मैं रानी को ऐसी राजकुमारी को एक ऐसा तोहफा देना चाहती हूँ जिससे कि आप मुझे कभी भूले नहीं पाओगे। सी सेड दैट विदाउट ग्रीटिंग एनीवन, बिना किसी के स्वागत के सी क्राइड, वो चिल्लाई ऑन हर 16th बर्थडे, उसके 16वें जन्मदिन पर, द प्रिंसेस विल प्रिक हर सेल्फ ऑन अ स्पिंडल एंड विल डाई एंड सी लेफ्ट। यानी कि वो एक्सल से, स्पाइंडल होता है एक्सल, यानी कि एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जैसे साइकिल है, जैसे वो साइकिल पर घूमेगी या एक्सल पर घूमेगी तो वो उससे गिरेगी एंड विल डाई, और मर जाएगी, एंड सी लेफ्ट, और वो चली जाएगी। द होल गैदरिंग वॉज डम विद हॉरर एट दिस टेरिबल गिफ्ट, इस भयानक तोहफे को देखकर सभी हैरान हो गए। देन द 12th गुड फेरी स्टेप्ड फॉरवर्ड, तब 12वीं परी आगे की तरफ आई, एज सी स्टिल हैड टू मेक हर विश फॉर द बेबी प्रिंसेस, और तभी उसने बेबी प्रिंस, राजकुमारी प्रिंसेस के लिए एक वो आशीर्वाद के मांगा या फिर एक विश मांगी। सी डिड नॉट प्रोसेसिस द पावर टू फिनिश द वीकड कर्स एंड बट सी कुड ईज इट एंड चेंज इट, उसको इतना तो अधिकार नहीं था, उसकी शक्तियाँ इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि वो राजकुमारी के जो को जो विकड़, विकड़ मतलब होता है राक्षसी, जो एक बुरी परी ने, फेरी ने उसको एक वो दिया था, क्या बोलते हैं उसको, कर्स, अभिशाप दिया था, उसको वो चेंज कर सकती थी, बदल तो नहीं सकती थी परंतु चेंज कर सकती थी। सी सेड डोंट वरी, उसने कहा चिंता मत करिए, ऑल्दो आई कांट फिनिश द कर्स, मैं फिनिश कर सकती, मतलब अभिशाप को फिनिश तो नहीं कर सकती, ख़त्म तो नहीं कर सकती, बट आई कैन चेंज इट, परंतु मैं इसको बदल सकती हूँ। द प्रिंसेस विल नॉट डाई, प्रिंसेस कब नहीं मरेगी, बट फॉल इंटू अ डीप स्लीप फॉर 100 ईयर्स, परंतु एक जो मतलब 100 सालों के लिए वो क्या हो जाएगी, गहरी नींद में चली जाएगी। वेन सी प्रिक्स हर फिंगर ऑन द स्पिंडल्स, जब वो मतलब एक्सल पर अपने स्पिल को, यानी कि जो अपनी फिंगर है उसको क्या करेगी, घुमाएगी। नाउ आई स्टॉप इट टू राइट, सॉरी टू रीड, एंड आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड द लेसन्स, आफ्टर दैट टुमारो वी विल रीड द रेस्ट पार्ट ऑफ द लेसन्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।